और गंगा के पानी की जांच कर रही लैब में भी पहुंचा TV9। वैज्ञानिकों को गंगा में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा मिली है। देखिए, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त गंगा जल से जुड़ी हुई। डिजॉल्व ऑक्सीजन की वजह से पानी का रंग बदल गया। जांच कमेटी कल अपनी रिपोर्ट इस बारे में सौंपेगी। प्रशासन ने एक जांच कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और वो अपनी रिपोर्ट कल सौंपेगी। और इसके बाद TV9 भारतवर्ष के संवाददाता उस लैब में पहुंचे जहां गंगा जल की जांच हो रही है। आखिर गंगा जल का रंग बदलने की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस लैब में आपको एक तरफ सैंपल दिख रहे हैं जो गंगा के अलग अलग हिस्से से घाटों से लाए गए हैं। देखिए, ये 80 घाट इस पर लिखा हुआ है, कैमरा पैन करेगा, और ये DS यानी कि दशाश्वमेध घाट, इस तरह अलग अलग घाटों से लाए गए हैं। और कालिका सिंह जी उस कमेटी के सदस्य हैं जो कमेटी बनाई गई है गंगा के हरी होने के कारणों की जांच के लिए। कालिका सिंह जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने सैंपल लिया है, आप भी आज भी लिया, कल भी आपने जांच भी की है कि लैब है, अभी तक आपके जांच के निष्कर्ष क्या कहते हैं, वजह क्या है सबसे बड़ी हरा होने की? देखिए, जाँच जो हमारा सैंपल होता है उसमें कई पैरामीटर्स अच्छे ऐसे होते हैं जिसको हम उसी दिन सेम डे कर सकते हैं टेस्टिंग, और कई पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसको हम 3 दिन में, जैसे BOD हमारा 27 डिग्री सेल्सियस पर 3 दिन में होता है। जिन पैरामीटर की आपने जांच की है उसका क्या है? जिन पैरामीटर्स की हमने जांच की है उसमें हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 9 के ऊपर है, और टेम्परेचर हमारा 30 के आसपास है, और एक्चुअल पी एच भी हमारा लगभग है, पीएच की मात्रा जरा वो कल वाली दिखाना है, 8.49 पीएच भी है, और BOD अभी टेस्टिंग में है, और आपका मैं टोटल कोलिफार्म और NPN भी हमारा टेस्टिंग में है अभी 5 दिन के बाद। नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पहले जो प्रथम दृष्टया ग्रीन एलगिली का प्रकाश में आया था उस समय काफ़ी ज़्यादा था, अब डाइल्यूशन से चाहे जो भी फैक्टर्स हो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये देखिए कालिका जी हैं, पूरी जानकारी हमको दे रहे हैं। ये लेबोरेटरी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश की का जो क्षेत्रीय ऑफिस है बनारस में उसकी, और यहीं पर ये पूरी जाँच की जा रही है, और इस जाँच के जो परिणाम हैं उसकी हमको कालिका सिंह जी ने जानकारी दी है। 2 महत्वपूर्ण कारक बताए हैं और पूरी कवायद की जा रही है कि इसको समय रहते इस स्थिति को सुधारा जाए और गंगा की जो निर्मलता है, अविरलता है, उसको लौटाया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।